हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉक्स के बाद कैलेंडर के बारे में, ठीक है। तो क्लॉक को दोस्तों अभी हमने होल्ड कर दिया है, पहले दोस्तों अब कैलेंडर शुरू कर देते हैं। सो दैट ये दोनों चैप्टर दोस्तों कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, तो धीरे धीरे दोस्तों एक साथ ही दोनों को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अब दोस्तों कैलेंडर की यदि हम बात करते हैं, तो हिंदुस्तान का दोस्तों जो लोकल कैलेंडर है वो वर्ल्ड के लोकल कैलेंडर से दोस्तों अलग है, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड में जो कैलेंडर फॉलो होता है उसका नाम है दोस्तों ग्रिगोरियन, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर दोस्तों हम लोग फॉलो करते हैं, 1 जनवरी 2 जनवरी दुनिया भर की बातें होती हैं दोस्तों। एंड दोस्तों जो हिंदुस्तान में जो कैलेंडर फॉलो होता है वो दोस्तों विक्रम संवत वाला होता है, ठीक है। वो दोस्तों भारत का नेशनल कैलेंडर है, विक्रम संवत वाला, ठीक है। उसको दोस्तों हम लोग बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाले वो, क्योंकि वो दोस्तों जीके के लिए है, ठीक है। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में, क्या क्या रिलेटेड उससे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं और किस तरह से दोस्तों क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं। तो ये दोस्तों पहला लेक्चर है, उसके बाद दोस्तों हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे और 2-3 लेक्चर में दोस्तों ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यदि हम बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में, तो इसके बारे में दोस्तों कैलेंडर ईयर की मैं बात करता हूँ, तो इसमें दोस्तों दो तरह से ईयर होता है। एक तो दोस्तों नॉर्मल ईयर होता है, आप सबको पता होगा। एक दोस्तों लीप ईयर होता है, ठीक है। यदि दोस्तों हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, नॉर्मल ईयर और एक दोस्तों लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर में दोस्तों जो 366 दिन होते हैं, दोस्तों जो नॉर्मल ईयर है उसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो इधर नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, जैसे जिसमें हम दोस्तों फरवरी में 28 दिन होते हैं, वहाँ पे दोस्तों 365 दिन होते हैं। यदि दोस्तों फरवरी में हो गए दिन 29, तो वहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे एक साल में 366, ठीक है। तो फरवरी में दोस्तों यदि हम बात करते हैं स्पेशली 28 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में। एंड दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ ग्रिगोरियन कैलेंडर में, जो 366 दिन वाला दोस्तों जो साल होता है उसमें दोस्तों फरवरी में 29 डेज होते हैं। इतनी बात आई थिंक आप लोग दोस्तों समझ में आती होगी। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस का फ्रेम होना शुरू होता है, तो इन्हीं से दोस्तों बातें करते हैं कि कहाँ कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। तो यदि दोस्तों और बातें करते हैं, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में दोस्तों 12 जो है महीने होते हैं, इन 12 महीनों का नाम दोस्तों आप सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड दोस्तों मई हो जाएगा, फिर जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई दोस्तों, एंड उसके बाद दोस्तों फिर अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर दोस्तों, फिर दोस्तों नवंबर हो जाएगा एंड लास्ट में दोस्तों दिसंबर आता है, ठीक है। अब दोस्तों नंबर ऑफ डेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों ये पूरी बात बता रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ डेज की यदि दोस्तों मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में दोस्तों 28 और 29 दोनों दिन हो सकता है, डिपेंड करता है कि साल कौन सा है। मार्च में दोस्तों दिन होते हैं 31, अप्रैल में दोस्तों 30 होते हैं, मई में दोस्तों 31 होते हैं, जून में दोस्तों 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में दोस्तों 31 होते हैं, सेप्टेम्बर में 30 होते हैं, अक्टूबर में दोस्तों 31 होते हैं, नवंबर में दोस्तों 30 दिन होते हैं एंड दिसंबर में दोस्तों 31 दिन होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ऑड नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में काम आएगा, विषम दिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, विषम दिन, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ऑड नंबर ऑफ डेज, ठीक है, दिन, और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ऑड डेज, ठीक है। तो ऑड का मतलब विषम होता है, ठीक है। तो उसको दोस्तों कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या यूटिलाइजेशन है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, चलिए, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि साल के दिन तो पता चल गया कि भैया जनवरी में इतने दिन होते हैं, फरवरी में, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, लीप ईयर कोई भी साल दोस्तों लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है वो दोस्तों आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, ये दोस्तों क्या पहचान होती है। तो लीप ईयर की दोस्तों मैं बात करता हूँ, तो लीप ईयर दोस्तों एक्चुअली में हर चार साल बाद आता है, ठीक है, हर चार साल बाद आता है। ये दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये पार्शियली करेक्ट है, 4 साल बाद आता है। क्यों दोस्तों पार्शियली करेक्ट है, उसका दोस्तों अभी मैं कारण बता देता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों पार्शियली करेक्ट है, होता क्या है दोस्तों इसमें, कभी कभी ऐसा भी होगा कि लीप ईयर दोस्तों 8 साल बाद आ जाएगा। अब ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ, तो 4 साल बाद का पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। तो 4 साल का पहले दोस्तों कंसेप्ट बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि यदि मान लो जो शुरुआत हुई होगी कैलेंडर की 00 हो गया होगा, फिर दोस्तों 01 आ गया, फिर 02 आ गया, ऐसे ही करते करते दोस्तों 100 साल बीते होंगे, 100 के बाद दोस्तों फिर 500 साल भी बीते होंगे, 500 साल के बाद दोस्तों फिर 1000 साल बीते होंगे एंड आज दोस्तों हम लोग 2023 में चल रहे हैं, 1000 के बाद दोस्तों करीब 1500 साल आए होंगे, फिर दोस्तों 2000 आए होंगे एंड ऐसे ही करते करते दोस्तों हमारे पास, ठीक है, 2000 साल हो गए एंड आज दोस्तों हम लोग 2020, फिर 2021 एंड दोस्तों 2022, फिर दोस्तों हम 2023 में जी रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों अभी तक की कहानी रही होगी, जिसने भी दोस्तों कैलेंडर की शुरुआत करी होगी उसने दोस्तों 00 से ही शुरुआत करी होगी। अब दोस्तों होता क्या है,
कि लीप ईयर के मुकाबले यदि हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन है उसमें दोस्तों हर चार साल बाद लीप ईयर दोस्तों आना कंपलसरी है। इसका मतलब जो पहला लीप ईयर आया होगा दोस्तों 04 में आया होगा, फिर दोस्तों 08 में आया होगा, फिर दोस्तों 12 में आया होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लीप ईयर चार से डिवाइड हो जाएगा, भाई जो ईयर है वो चार से डिवाइड हो जाएगा वो दोस्तों लीप ईयर बन जाएगा। जैसे दोस्तों 100 भी आया होगा, ठीक है, 104 भी आया होगा। अब दोस्तों थोड़ी सी कहानी आपको समझनी पड़ेगी, 108 भी आया होगा, ऐसे करते करते दोस्तों 200 भी आया होगा, एंड दोस्तों 200 के बाद 300 भी आया होगा, 300 के बाद दोस्तों 400 भी आया होगा। अब दोस्तों मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता उसको देख लेते हैं। तो चार वाला लीप ईयर है, आठ वाला, बारह वाला। अब मेरा दोस्तों सवाल ये है कि जो 100वां साल हुआ होगा क्या वो लीप ईयर हुआ होगा? क्या दोस्तों ये लीप ईयर है? ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ये लीप ईयर है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो दोस्तों क्यों नहीं है, ठीक है। इसके पीछे की दोस्तों कहानी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्यों नहीं है और क्यों है। तो जैसे मैंने दोस्तों उठाया कि यदि हम कहते हैं कि अभी हम लोग बात करते हैं 2022, ठीक है, उससे पहले दोस्तों 2020 आया होगा, एंड दोस्तों 2024 आने वाला है, और ऐसे ही करते करते दोस्तों जो पुरानी वाली सदी के लोग हैं वो 1900 में भी उन्होंने जिया होगा, ठीक है, 1901 आया, फिर 1902 आया, एंड सो ऑन। तो दोस्तों यदि हम किसी भी साल को देख रहे हैं, अब इम्पॉर्टेंट दोस्तों बातें शुरू हो गई, यदि दोस्तों हम किसी भी साल को देख रहे हैं, ठीक है, ये दोस्तों साल है, ठीक है, ये दोस्तों साल है, कोई भी साल है दोस्तों, ठीक है भाई, ये कोई भी साल है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि लास्ट के दो अंक, ठीक है, यदि दोस्तों लास्ट के दो अंक चार से भाग होते हैं, चार से भाग होते हैं, तो दोस्तों ये जो ईयर बन जाएगा ये आपका लीप ईयर। क्या बन जाएगा दोस्तों? ईयर बन जाएगा आपका, ये लीप ईयर बन जाएगा, लीप नहीं, LEAP, लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर का मतलब यदि दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको लास्ट के दो अंक देखने हैं। जैसे 20 आ गया, क्या दोस्तों 20 चार के टेबल में आता है? ऑफकोर्स दोस्तों आता है, इसका मतलब लीप ईयर है। 2022 की दोस्तों मैं देखता हूँ तो लास्ट में क्या आ रहा है? 22। क्या दोस्तों 22 जो है वो चार से पूर्णतः भाग है? नहीं भाग है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। ये क्या है दोस्तों? नॉर्मल ईयर। 2024 दोस्तों जो आने वाला है इसके लास्ट में दोस्तों 24 आ रहा है, क्या दोस्तों ये चार से पूरा भाग होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या है भाई? चार से ये भाग नहीं, मतलब पूर्णतः भाग होना चाहिए, पूर्णतः मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तो दोस्तों लीप ईयर बनेगा। तो 24 भी दोस्तों पूरा होता है, ये दोस्तों लीप ईयर बनेगा, ठीक है। ये दोस्तों कहानी साल के बारे में। अब दोस्तों यदि मैं सेंचुरी वाला साल लेता हूँ, सेंचुरी वाला क्या होता है? सेंचुरी समझते हैं ना, जैसे सचिन ने सेंचुरी मार दी, तो सेंचुरी वाले साल जैसे आया होगा दोस्तों 100, फिर दोस्तों 200 आया होगा, 300 आया होगा, ठीक है, 400 आया होगा, 400 के बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं फिर कुछ भी ले लेते हैं जो आपका मन है, जैसे 1900 ले लेते हैं, ठीक है, 1800 भी आया होगा दोस्तों, 2000 आया होगा, ठीक है, 2000 के बाद दोस्तों अब 2100 आएगा, आने वाला जो सेंचुरी होगा वो 2100। अब दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंचुरी ईयर, ठीक है, कोई भी दोस्तों सेंचुरी ईयर कैसे दोस्तों लीप ईयर है या नहीं है? अब दोस्तों यदि दोस्तों सेंचुरी ईयर पूरा का पूरा सेंचुरी ईयर 400 से दोस्तों 400 से पूर्णतः भाग होना चाहिए, पूर्णतः भाग होता है, पूर्णतः यदि दोस्तों भाग होगा, पूर्णतः भाग होता है, तो ये दोस्तों लीप ईयर बनेगा। तो दोस्तों क्या बनेगा? लीप ईयर बनेगा, वरना लीप ईयर दोस्तों बनेगा, वरना दोस्तों क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल ईयर होगा, वरना दोस्तों क्या होगा? ये नॉर्मल ईयर होगा। तो ये दोस्तों कहानी पूरी की पूरी आपको समझनी पड़ेगी कि ये चल क्या रहा है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं सोचना है, अब ये देखो दोस्तों 100, ठीक है, 100 दोस्तों एक सेंचुरी वाला साल है। क्या दोस्तों मैं 100 को 400 से पूरा भाग कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों 400 का मैं पहाड़ा पढ़ना शुरू करूँगा तो पहला तो दोस्तों 400 आएगा, फिर दोस्तों 800 आएगा, फिर दोस्तों 1200 आएगा, तो 100 तो दोस्तों कहीं नहीं आया। इसका मतलब दोस्तों ये 100 वाला जो साल हुआ होगा ये नॉर्मल ईयर रहा होगा, उम्मीद करूँ इतनी बात समझ में आई होगी। 200 वाला दोस्तों जो साल है, 200 वाला दोस्तों जो साल है ये भी दोस्तों नॉर्मल ईयर रहा होगा, 300 वाला भी दोस्तों नॉर्मल ईयर रहा होगा। तो इसका मतलब पहला दोस्तों जो सेंचुरी साल वाला जो सेंचुरी साल रहा होगा, जो लीप ईयर होगा, वो दोस्तों 400 होगा। 400 के बाद दोस्तों कितना होगा? 1200, 1200, 1600,
16 से बाद दोस्तों 2000, उसके बाद दोस्तों 2400, इस तरह से दोस्तों 4400 के टेबल में चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें से दोस्तों जो 2000 है ये दोस्तों लीप ईयर बनेगा क्या? दोस्तों 1900 लीप ईयर बनेगा? 1900 दोस्तों 400 के टेबल में आएगा ही नहीं दोस्तों, ये नॉर्मल ईयर बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी बात समझ में आ रही होगी। 1800 दोस्तों जो आया होगा, 1800 क्योंकि 1857 की क्रांति दोस्तों जब हुई होगी, 1857 की क्रांति भारत में हुई थी, तो पहले तो दोस्तों 1800 ही आया होगा, फिर दोस्तों 1801 आया होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये भी नॉर्मल ईयर रहा होगा, ये भी दोस्तों नॉर्मल ईयर रहा होगा, ये भी दोस्तों नॉर्मल ईयर रहा होगा। 2200 लीप ईयर रहा होगा। 2100 दोस्तों जो आने वाला 2100 साल है, जो करीब आज से 77 साल बाद आएगा, ये भी दोस्तों नॉर्मल ईयर रहा आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि 400 के दोस्तों टेबल में नहीं आएगा, 400 के टेबल में नहीं आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जो मैंने आपको बातें बताई कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, कौन सा दोस्तों नॉर्मल ईयर होगा, आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर से बताया करो, और सो दैट हम चीज़ों को आपके हिसाब से और भी बेहतर तरीके से लेके आ पाएँ। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की बातें करेंगे, विषम दिन कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, कोई भी दोस्तों आपको डेट दी जाएगी तो उस दिन कौन सा दिन था वो भी दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चैनल के साथ में जुड़िए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों UPSC के जो CSET की परीक्षा है उसके लिए दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ जुड़ जाना। पूरा का पूरा दोस्तों 24 का जो CSET का सिलेबस है वो मैं कवर करने वाला हूँ, ना सिर्फ दोस्तों UPSC का, जितने भी स्टेट PCS एग्ज़ाम है वहाँ भी दोस्तों काम आएगा, चाहे UPPSC की मैं बात करूँ दोस्तों, चाहे BPSC की बात करूँ, ठीक है, ये दोस्तों आपको मिल जाएगा। और ये दोस्तों PDF मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, जिसको TSC शॉर्ट में बोलते हैं, वहाँ दोस्तों ये PDF आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।